नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं, साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसे लेकर झामुमो भी अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। लगातार पार्टी में मंथन जारी है। इधर चुनाव से पहले कल्पना को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब समाचार विस्तार से न्यूज के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने काफी कम समय में राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति से राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन को नया स्टार प्रचारक मिला है। कल्पना सोरेन ने विपरीत परिस्थितियों में राजनीति में कदम रखा था। पति की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कमान संभालने का निर्णय लिया। छोटे राजनीतिक सफर में उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया है। अब वे अपनी राजनीतिक जमीन को और पुख्ता करने में जुट गई है। वह लगातार गिरिडीह में कैंप कर रही है। इसी जिले के गांडे विधानसभा क्षेत्र से वह निर्वाचित हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद सम्पन्न हुए विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की। कल्पना सोरेन ने इस दौरान ना सिर्फ हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में बेहतर कार्य कर दिखाया, बल्कि आगे भी उनमें अपार संभावनाएं हैं। कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी, यही वजह है कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की भी तैयारी चल रही है। केंद्रीय समिति में उन्हें महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। मोर्चा में उन्हें केंद्रीय उपाध्यक्ष या महासचिव का पद दिया जा सकता है। कल्पना सोरेन फिलहाल अपने विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा समय देकर जमीनी स्थिति को पुख्ता कर रही है। यह इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि संथाल परगना क्षेत्र में सोरेन परिवार की राजनीतिक विरासत है। पहली बार इससे अलग हटकर कल्पना सोरेन ने गिरिडीह जिले की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट पर परचम लहराया है। उनकी क्षेत्र में मौजूदगी से गिरिडीह और उसके आसपास के क्षेत्र में भी सत्तारूढ़ गठबंधन की किलेबंदी मजबूत होने के आसार हैं। मोर्चा की रणनीति इसी के इर्द गिर्द है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिल सके।